सेकंड ओपिनियन या अदर्स ओपिनियन कैसा महत्व का है उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मेडिकल फील्ड में सेकंड ओपिनियन बहुत महत्व का है। कभी कभी कोई डॉक्टर गलती कर सकता है, इसलिए हरदम ये हमने देखना चाहिए कि कोई भी बड़ा डिसीजन जब मेडिकल फील्ड में हम लेते हैं, मतलब पेशेंट जब लेता है, तब उसे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। क्यों होता क्या है कि एक ओपिनियन, मतलब कुछ मुझे तकलीफ हुई है, मुझे कुछ बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास में जाता हूँ और डॉक्टर एक अपना ओपिनियन देता है, तो उसको जितना मालूम है, जो भी उसकी जानकारी है, जो भी उसका कौशल्य है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, वहाँ से वो ऑपरेट करके एक ओपिनियन देता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या उसको फलाना फलाना करना चाहिए, ऐसा लेता है। जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन है तब तक ठीक है, मगर कोई बड़ा डिसीजन है कि ऑपरेशन करना है तो डेफिनेटली आपने सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है। वैसे यदि कोई बड़ी बीमारी है और फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस समय भी सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड ओपिनियन जब हम लेते हैं तो डॉक्टर जो दूसरा रहता है वो उसका एक्सपीरियंस, उसका ज्ञान, उसका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, और वहाँ से वो देखेगा तो उसको कुछ अलग नज़र में आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ हुआ तो मैं डॉक्टर के पास में जाते रहता हूँ। प्रॉब्लम क्या था मुझे कि मुझे था हेडेक हो रहा था, थोड़ी चक्कर ऐसी आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ है, पता नहीं, तो मैं खुद डॉक्टर के पास में गया। उन्होंने चेक वगैरह किया, उन्होंने बोला कि आपका ECG निकाल लिया है और कार्डियोग्राम जब निकाला मेरा तो उसमें ऐसा उनको दिखा कि इनको हार्ट अटैक के उनको कुछ लक्षण दिखाई दिए। बोले कि आपको हो सकता है कि ये तो ECG हार्ट अटैक बता रहा है। बोला नहीं, वो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे चेस्ट पेन नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हार्ट अटैक ऐसा क्या हो सकता है। बोले नहीं, बोले आपको तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक है, और उन्होंने बड़े 3-4 प्रिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दिए। उस समय मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, तो उस समय उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, आप ट्रेडमिल टेस्ट कर लो और ट्रेडमिल में देखते क्या होता है। तो मैंने ट्रेडमिल किया तो ट्रेडमिल में कुछ भी निकला नहीं। मतलब पहले जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख के दिया था 3-4 दवाइयों का, वो यदि मैं लेता था और वहीं भरोसा रखता था तो मुझे हरदम जो दवाई लेनी पड़ती थी कि भाई ब्लड प्रेशर है और ये दवाई लेते रहो, या फिर एक बीमार करके महसूस हो करके मेरे को जीवन जीना पड़ता था। अभी मैंने बोला नहीं, बोले आपको कोई ब्लड प्रेशर है नहीं है, ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, चक्कर भी करा रही है, वो नॉन स्पेसिफिक है, उसका कुछ करने का नहीं। तो ये सेकंड ओपिनियन महत्व का है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा धंधा है, हमारा व्यवसाय है, हमारा मतलब बिजनेस में हमको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, हमारे बिजनेस में ऐसा हो रहा है कि ठप हो गया काम। होता क्या है कि हमको हमारा दिखता नहीं है। रिलेशनशिप में बोलो, मतलब रिश्तों में, लोगों के साथ में, जब रिश्ते रहते अपने घर में, माँ बाप के साथ में, पति पत्नी में रिश्ते हैं, भाई बहन में, कहीं भी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते हो, मतलब कोई भी रिश्ता है, तो उसमें मेरी क्या गलती हो रही, मुझे में दिखता नहीं। धंधे में मुझे यदि मेरी तरक्की नहीं हो रही, मुझे दिखता नहीं कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम लोगों को इसके बारे में पूछते हैं, लोगों की सलाह लेते हैं, उनका ओपिनियन जब लेते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ अपने को नई आइडिया मिल सकती है, क्योंकि मेरे में क्या नहीं है या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे दिखता नहीं है। और वो बहुत सादी गलती हो सकती है, और सामने वाला मैं यदि किसी से पूछता हूँ तो अपने को तुरंत बता देगा कि भाई तुम्हारी ये गलती हो रही है, इतना इतना ऐसा ऐसा करो। तो इसलिए जो है सेकंड ओपिनियन एंड अदर्स ओपिनियन एंड और अदर्स ओपिनियन, ये बहुत महत्व का है कि लोगों का, मराठी में तो बोलती है कि भाई ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, इसका मतलब लोगों की सुनो, बाद में अपना ही करना है जो करना है वो, मगर लोगों को पूछो, जहाँ जहाँ आप अटके हुए, जहाँ जहाँ आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, जहाँ जहाँ आपकी तरक्की नहीं हो रही है, वहाँ डेफिनेटली पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो जहाँ भी अटके हैं वहाँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।